हेलो गाइस, तो आज हम आए हैं एक नए गेम प्ले के साथ। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं जॉर्ज पॉल। तो यहाँ पे क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं हॉट ड्रॉप की कि हम हॉट ड्रॉप लेंगे। तो लेकिन जब हम यहाँ पे नीचे आते हैं और हमें देखते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पे कोई भी नहीं आया। तो हमारा हॉट ड्रॉप लेने का कोई ज़्यादा यहाँ पे कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ हमें। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम आराम से लूट करते हैं और यहाँ पे एक बॉट आता है तो इसी के साथ हम इस बॉट को मारते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट किल था गेम में वो एक बॉट था, क्योंकि जॉर्ज पॉल में तो कोई अभी आया नहीं। तो उसके बाद क्या होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि हम अम्यूजमेंट पार्क में पुश करेंगे। तो यहाँ पे एक फ्लेयर भी थी, तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे आए, लेफ्ट साइड पे गाड़ी रोकी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक बंदा जो फोर्थ प्लेयर था वो बग्गी में आ रहा था, तो उसने तो बग्गी से ही अपने आप को नॉक करवा लिया। ये तो कुछ अलग ही नशे कर रखे थे इसने। तो जैसे फिर मैं यहाँ से डिसाइड करता हूँ, जैसे ही उन टीम को, सामने वाले एनिमीज को हमारा पता चलता है कि हम यहाँ पे आए हैं, तो वो जल्दी से हमारे पे पुश करते हैं। तो मैं डिसाइड करता हूँ यहाँ से लेफ्ट से जाने की, लेकिन मेरा टीममेट मुझे कॉल देता है कि हम राइट से पुश करेंगे। तो मैं जल्दी से अपने टीममेट के पास जाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पहले तो हम ऊपर से जा रहे थे, लेकिन जब भी जैसे हमने ऊपर गए तो हमने डिसाइड किया हम नीचे से जाएंगे, क्योंकि ऊपर से अब किसी और एंगल से हमें स्प्रे पड़ सकता था। तो हम नीचे से जाते हैं, इससे क्या होता है कि बंदे हमारे सामने होते हैं, जो हमको मारेगा सामने से मारेगा, तो लेफ्ट साइड से कोई तो कोई मार नहीं सकता है। तो इसीलिए हम ऊपर से यहाँ पे गए थे। तो मैंने एक नेट किया, रैंडमली नेट किया यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था सामने एक बंदा अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा है। तो वही हुआ, ऐसे ही हुआ यहाँ पे, जैसे मैंने नीड किया उसने रिवाइव छोड़ा और पीछे गया, उसकी वजह से वो ओपन में आया, तो जिसकी वजह से हम आसानी से उससे मार पाए यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका एक ही बंदा बचता है, तो मेरे टीममेट्स मार देते हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं यहाँ पे, मैं लूट वगैरह करते हैं फिर। तो इसके पास से मुझे AWM मिलती है, जो कि मेरी फेवरेट गन है, जो मुझे फॉलो करते हैं इंस्टा पे और टिकटॉक पे, उनको पता होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम इस स्क्वाड को ख़त्म करते हैं, तो वहाँ रिच पे पीछे एक और स्क्वाड रहती है, तो वो हम पे स्प्रे करती है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ रनिंग हेड देने की, लेकिन मेरा पहला शॉट है वो मिस होता है यहाँ पे। तो जैसे मैं दूसरा शॉट लेने लगता हूँ, तो एक रनिंग शॉट लेने लगता हूँ, तो ये दूसरा बंदा था जो मुझे मार रहा था, तो मुझे उसे मारना पड़ा, क्योंकि तो मुझे नहीं तो मुझे नॉकआउट कर देता यहाँ पे। तो जैसे मैंने उसको नॉक किया, हम डिसाइड करते हैं कि हम उन पे पुश करेंगे, क्योंकि हमने प्रेशर बना सकते हैं उन पे। तो आप भी कभी भी अगर आप एंगल में ऐसे खेल रहे हो, आप स्क्वाड के साथ खेल रहे हो, तो आपको भी यही करना है। अगर आपने सामने की स्क्वाड का एक या दो बंदे नॉक किए हैं, तो आपको यहाँ पे पुश करना होता है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है पहले ही। तो अगर आप एक या दो बंदे नॉक करके जाओगे फाइट करने, तो आप ऑब्वियसली 90% चांसेस होते हैं कि आप ही फाइट जीतोगे। तो ऐसा यहाँ पे हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम इन पे पुश करते हैं, इन पे एक और स्क्वाड पुश कर देती है पीछे से, तो यहाँ पे क्या होता है, इनका हो जाता है थर्ड पार्टी। तो ये तो बहुत ही बुरा वाला थर्ड पार्टी हो गया यहाँ पे, और ये बंदे भी डैमेज थे, हमने आराम से ये स्क्वाड को भी मार दिया। हालांकि यहाँ पे हमारे दो बंदे नॉक आउट हो गए थे, लेकिन कुछ खास हमें इतना लॉस हुआ नहीं, क्योंकि हमने ये स्क्वाड पहले से ही डैमेज थी, तो थर्ड पार्टी हमने आसानी से कर दिया इनका। तो यहाँ पे क्या होता है, बंदे लाइव होते हैं 27। तो मैं क्या बोलता हूँ अपनी टीममेट को कि हमें कब करेंगे पुश, हमें पुश करना चाहिए, क्योंकि मुझे होता है कि मेरे अगर हम चिकन डिनर कर रहे हैं, तो मुझे होता है कि मेरे गेम में 8 से 10 किल हों अगर हम चिकन डिनर ले रहे हैं, तो उसी का फायदा होता है। अगर आप चिकन डिनर कर रहे हो, आपके 2 या 4 किल्स हैं, तो वो मुझे इतना कुछ खास लगता नहीं है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं लगता उसका। अगर आपका अच्छा गेम प्ले है, आपकी स्क्वाड अच्छी है, तो आप अगर चिकन डिनर निकाल रहे हो, तो आप कोशिश करेंगे कि आपकी स्क्वाड के 25 से 30 किल हों, जो कि हमारे इस मैच में ऐसा होता भी है। तो आप देख सकते हैं, हमको कोई होल्ड करके नहीं खेल रहे, कोई हम कैंपिंग करके नहीं खेल रहे, तो हम बंदों को ढूंढ रहे थे और मार रहे थे, बस यही हमारा काम था, मेन टारगेट था कि हमको किल्स चाहिए। तो मेरे टीममेट्स, जैसे मैं किल्स का थोड़ा भूखा रहता हूँ,
केडी के लालच में, तो मेरे टीममेट्स भी वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा किल्स मेरे हाथ से जाता लगा। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ जैसे ही हम यहाँ से चलते हैं तो मुझे एक गाड़ी स्पॉट होती है लेफ्ट में, तो मैं इनको कॉल आउट देता हूँ कि भाई गाड़ी है लेफ्ट में, गाड़ी आई है। तो जैसे हम वहाँ पे पहुँचते हैं, आप देखोगे अभी, तो जैसे हम वहाँ पे कंपाउंड में पहुँचते हैं तो वो एक ही बंदा होता है, वो शायद से उसकी स्क्वाड मर गई थी या फिर वो सोलो खेल रहा था, हमें ये तो पता नहीं अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही बंदा होता है, तो इसे हम पुश करते हैं, बंदा पुश करके जो इसे भी आराम से मार देते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डैमेज देता है मुझे, लेकिन अकेला होने की वजह से तो ये आराम से मर जाता है। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें और बंदे ढूंढने होते हैं। तो 5 ही किल होते हैं मेरे, तो मुझे 5 किल अभी और चाहिए, क्योंकि 10 किल्स का मैंने टारगेट लिया हुआ था यहाँ पे। तो अगर आपको किल्स करनी है तो आपको रश करना पड़ेगा, तो आपको रश गेम प्ले खेलना पड़ेगा, उसके बिना आपको किल्स नहीं मिलेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं तो हम इस कंपाउंड पे भी रश करते हैं, यहाँ पे पहले से एक स्क्वाड होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं थोड़ा मेरा स्प्रे गलत हो जाता है, जिसकी वजह से मैं नॉकआउट होता हूँ। तो लेकिन हम जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी टीममेट्स का पैर में पुश होता है, हम 2 बंदे लेफ्ट में पुश कर रहे थे और 2 बंदे मेरे उधर पुश कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम 2 बंदे नॉकआउट होते हैं, लेकिन पेयर्स में पुश करने की वजह से हमारी टीम फाइट जीत जाती है। तो फिर वो मेरा टीममेट यहाँ पे मुझे रिवाइव देता है, हम हेल्थ वगैरह मारते हैं अच्छे से। तो जैसे ही मैं हेल्थ वगैरह मार के इनके बंदों को लूट करने जाता हूँ, ये क्रिएट्स वगैरह जो भी यहाँ पे हैं, तो मैं जैसे ही मैं लूट करने आता हूँ, मुझे दिखाई देता है सामने एक और स्क्वाड आती है। तो मैं ओपन में चला गया था, लेकिन वो मार नहीं पाए मुझे। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक और स्क्वाड आ रही है हमारा थर्ड पार्टी करने के लिए। तो लेकिन उनको नहीं पता हम अच्छे से हील वगैरह हो गए हैं, तो ये स्क्वाड थोड़ा अच्छा खेल रही थी, कवर यूज़ कर रही थी, पिक एंड फायर कर रही थी। तो इनको मारने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम लगा, तो इन्होंने हमारा एक बंदा भी नॉकआउट कर दिया था। तो मैं यहाँ पे पेड़ का कवर लेके देख रहा था कोई एंगल बने मेरे से और मैं स्प्रे कर पाऊँ, एक बंदा नॉकआउट कर पाऊँ इनका, क्योंकि हमें पुश करना था। तो पुश करने के लिए आपको 1 या 2 बंदे, मैंने पहले भी बताया आपको, सामने वाली स्क्वाड के नॉकआउट करने पड़ेंगे। अगर आप सीधा पुश करोगे तो वो थोड़ा इतना चांस नहीं होता है ज़्यादा फाइट जीतने का, क्योंकि उनके पास कवर होता है, तो आप ओपन में जाके पुश करना होता है आपको। तो आप भी ऐसे ही ट्राई करें, अगर आप स्क्वाड में खेल रहे हैं तो आपको सामने वाली स्क्वाड पे और आपको पुश करना है तो आपको 1 से 2 बंदे नॉकआउट करने पड़ेंगे, वैसा जैसा कि मैं यहाँ पे करता हूँ व्यू। तो जैसे ये बंदा नॉकआउट होता है, मैं कॉल आउट देता हूँ अपने टीममेट्स को तो पुश करें, तो वो लेफ्ट से पुश करते हैं, मैं यहाँ पे राइट से पुश करता हूँ। तो इनके 2 ही बंदे होते हैं यहाँ पे, तो एक तो मैंने नॉकआउट कर दिया था पहले ही। तो जैसे हम पुश करते हैं यहाँ पे, दूसरा बंदा भी इनका आराम से साफ कर देते हैं हम लोग। हालांकि मैं यहाँ पे 1 HP था, नॉकआउट हो सकता था, तो लेकिन बच गया यहाँ पे मैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम हील वगैरह करते हैं फिर से। तो ऐसा आप देख सकते हैं गाइस, यही होता है कि रश गेम प्ले में आपका जो टीम होता है, आपके टीम का जो एक प्लेयर होता है, अच्छा वाला प्लेयर होता है, जिसको गाइड करना होता है क्या करना है टीम को क्या नहीं करना है, वो आपकी टीम में एक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो कि आपको गाइड कर सके। अगर वो अच्छा नहीं भी खेल रहा है ना, तो आपको इतना लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपको वो अच्छा गाइड कर देगा कैसे आपको पुश करना है, कैसे आपको रश करना है। तो अगर आपका एक आपके पास एक अच्छा बंदा है जो आपको अच्छा से गाइड कर रहा हो, तो आपकी एक अच्छी टीम बन सकती है, जैसे कि हमारे पास भी यहाँ पे है। तो हमारा एक बंदा हमें गाइड कर रहा था हमको कब पुश करना है, कैसे पुश करना है, किसको लेफ्ट जाना है, किसको राइट जाना है, तो वो डिसाइड कर रहा था ये। तो हम जैसे वो कॉल आउट मिलती थी तो हम वैसा ही करते थे, जिसकी वजह से हमारा टीम वर्क बहुत ही अच्छा है। तो स्क्वाड में तो यही होता है, अगर आपका टीम वर्क अच्छा है तो आप 90% फाइट्स जीत ही जाओगे, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, कम से कम 7 से 8 फाइट हमने अब तक जीत ली हैं। यहाँ पे क्या होता है कि स्क्वाडोस में अभी स्क्वाड बाकी होती है, जो मुझे कॉल आउट मिलता है कि स्क्वाडोस में बंदा है, जैसे मैं स्क्वाडोस में कब पास जाता हूँ तो वो मेरे टीममेट्स तो फिनिश कर देते हैं, फिर से किल तो मिलता नहीं है मुझे यहाँ पे। तो अब क्या होता है, एक आखिरी बंदा लास्ट होता है, लास्ट बंदा बचता है, तो 5 बंदे लाइव, 4 तो हमें, तो मेरे टीममेट्स क्या बोलते हैं कि हमें इसको पेन से मारना है,
या फिर तुमने इसको ओम से चलती गाड़ी से ओम के साथ मारना है। तो ये मेरे टीममेट्स मुझे चैलेंज देते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ चलो ठीक है ऐसे ही करेंगे। तो हमारे यहाँ पे बंदा स्पॉट करते हैं हम, तो पहले मैंने सोचा कि मैं पैन के साथ इसे मारूंगा, तो लेकिन मेरा टीममेट तो आया था किल लेने के लिए, तो मुझे भी किल चाहिए, तो मैंने तो M4 से ही मार दिया उसे। तो इसी के साथ गाइस आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे हमने रश गेम प्ले किया और चिकन डिनर निकाला। तो इसी के साथ मिलते हैं गाइस।